हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं मुझे अपनी स्क्रीन पर ऑल द वे फ्रॉम सलाला। तो आज का हमारा दिन है एक नई जगह पे जाने का, विच इज़ एन ओतम या एतम कह लें उसको, जो सलाला में वन ऑफ द फ्यूएस्ट और जो सबसे पहली वाटरफॉल्स होती हैं वो वहीं पर ही होती है। तो आज वहाँ पर चलते हैं और अगले व्लॉग से हमारी स्टार्ट होने वाली है एडवेंचरस सीरीज़ जो हमने पिछले साल भी की थी। और अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो मैं ज़रा सी हाईलाइट्स आप लोगों को दिखाता हूँ। वैसे वो कह रहा था कि तो इसी तरीके से हम लोग कल से शुरू करने जा रहे हैं एक और एडवेंचरस सीरीज़, और जहाँ से हम लोगों ने ख़त्म किया था वहीं से उसी जगह से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके मैं आपको डिटेल्स अगले व्लॉग में देता हूँ। उसकी बाकी सीरीज़ जो हम लोगों ने की थी उसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी दे सकता हूँ अगर आप पिछले साल की वीडियोज़ देखना चाहें। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से निकलते हैं। सलाला का मौसम क्या प्यारा हुआ हुआ है, यानी अगर बारिश ना भी हो रही हो तो एक काइंड ऑफ फॉगी लो क्लाउड सिचुएशन हुई भी होती है। इतना प्यारा, इतना मेसमराइजिंग, ड्रीमी टाइप ऑफ सिचुएशन लग रही है। तो अभी फ़िलहाल जहाँ जा रहे हैं हम लोग एन ओतम, वहाँ की भी जो रोड है एक्सेस रोड जो वहाँ पर लेकर जाती है, दैट इज़ अगर मैं कहूँ कि एन सहलनूद जो आपने पिछली वीडियो देखी थी उस जैसी नहीं तो उससे कम भी नहीं है। तो लेट्स मूव ऑन एंड टू अ न्यू लोकेशन। खरीफ के मौसम में जहाँ हम लोग बहुत सी जगहों को इंजॉय करते हैं वहाँ पर यहाँ की ट्रैफिक भी पार्ट ऑफ द लाइफ ही रहती है, और आपने मेक श्योर करना है कि आपकी पेट्रोल की टैंक इस लेवल तक ना आए। अच्छा जी, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जो फाइनल रोड लीड टूवर्ड्स द वाटरफॉल एन ओतम का, और जस्ट रिलैक्स एंड सिट बैक एंड एंजॉय द व्यू। इस तरह के व्यूज़ मेरे नहीं ख्याल से कि आपको कहीं पर भी ओमान या किसी भी जीसीसी कंट्री में मिलेंगे।
लें जी एन एतम के साइट पे हम लोग पहुंच गए हैं। पार्किंग बहुत ही ज़्यादा रश था तो हमने थोड़ा सा दूर पार्किंग लगाई है। अब अंदर चलते हैं, क्रीम श्रीम लगा चुके हैं होपफुली, लेकिन मच्छर अभी भी हैं क्योंकि बारिश नहीं हो रही तो इसी वजह से मच्छरों का ज़रा ज़्यादा जोर है। दूर से जी वाटरफॉल नज़र आ रही है, किसी ने आइसक्रीम वगैरह खानी है तो उसका भी इंतज़ाम यहाँ पर है। क्या मस्त सीन है वो अर्थरूल की सीरीज़ में, वो लोग जो समुंदर नहीं नदी के किनारे बैठ के जो भी वजू वगैरह या आराम कर रहे होते हैं उसी तरह का माहौल लग रहा है। बड़ा प्यारा वॉकवे है टुवर्ड्स द वाटरफॉल और आसपास का इलाका, इन लोगों ने आई थिंक इन लोगों को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है आई थिंक यहाँ स्लिपरी कंडीशंस की वजह से, बट नीचे भी एक बहुत ही प्यारी नदी बह रही है। दरख्त चेक करें क्या, बिल्कुल कॉर्नर पे एट द एज ऑफ द फॉल दिस इज़ द एन एतम वाटरफॉल। अभी काइंड ऑफ थोड़ी है क्योंकि इनिशियल स्टेज है, बारिशों के बाद इसके बाद भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अपने जूते बगैर भिगाए किस तरीके से जा सकते हैं देखते हैं आगे जाने के लिए। पार्किंग काइंड ऑफ लिमिटेड सी है तो जैसे ही आप यहाँ पर आसपास पहुँचे हो जहाँ पर भी जगह मिले ना रोक लें, ज़्यादा दूर नहीं है अंदर। हम फिलहाल यहाँ से चलते हैं और आपको यहाँ का सोर्स दिखाते हैं कहाँ जहाँ से यहाँ पानी आ रहा है और वाटरफॉल क्रिएट हो रही है। ये है जी यहाँ का सोर्स ऑफ द वाटरफॉल एतम। यहाँ से देखें ये जहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से देखें पहाड़ों के अंदर से पानी चश्मा जो आ रहा है इस तरफ से भी और उस तरफ से भी और ये बहकर फिर आगे की तरफ जाता है। बड़ा प्यारा सा इलाका है और यहाँ दो तीन जगह से पहाड़ों से चश्मा निकल रहा है और वो आगे जाके पानी एक वाटरफॉल क्रिएट करता है। यहाँ देखें जी फ्रॉग भी फिर रहे हैं आसपास, मच्छर जी फिर भी चाहे जितनी भी क्रीमें लगवा लें ये मच्छर आपको ना छोड़ते नहीं हैं। लें जी इन खूबसूरत नज़ारों से आपको करते हैं हम अलविदा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में एक नई जगह पे जाएंगे और आप लोगों को विज़िट करवाएंगे सलाला की ब्यूटी और यहाँ की जो नेचर ही यहाँ पर बड़ी खूबसूरत खरीफ सलाला की शक्ल में जो आ रही है। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और स्टे ट्यून्ड फॉर द एडवेंचर सीरीज़ और प्लीज़ ज़रूर उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।